आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ गेहूं के आटे की बहुत ही टेस्टी स्नैक्स। रेसिपी इतनी ज़्यादा मज़ेदार है, आप इसको हर दिन बनाकर खाएं बिना रह नहीं पाएंगे। आपको आज की वीडियो आएगी बेहद पसंद, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल करना ना भूले दोस्तों। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने लिया है यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल, इसमें डालेंगे हम एक कप गेहूं का आटा। आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें डालेंगे स्वादा अनुसार नमक, अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच देसी घी। इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इसमें अच्छा सा मोयन देंगे। तो ये देखिए मोयन हमने अच्छी तरीके से दे दिया है, लड्डू बनने लगे जब तब जान लीजिए मोयन बहुत अच्छे से इसमें हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप गुनगुना पानी लिया है, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा गूंद कर तैयार करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स एकदम सख्त सख्त आटा लगाकर मैंने तैयार किया है। अब इसमें हम थोड़ा सा घी लगाकर चिकना करेंगे। अब इसे हम ढककर 15 से 20 मिनट तक के रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं इसे। तो आटा बिल्कुल हमारा सख्त है, तो इसे अब इसे छोड़ देते हैं। 15-20 मिनट होने के बाद हम चेक करेंगे। तो आटा हमारा फूल कर सेट हो चुका है। अब इसमें से एक छोटी सी लोई तोड़कर इस तरीके से दिखा देते हैं आपको। इतनी छोटी छोटी लोइयां हमें सारी बना लेनी है। इसके बाद हम लेंगे एक चकला यहाँ पे और इसे बेलेंगे। तो पहले हम स्टफिंग बना लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने 3 बॉईल आलू लिए हैं, और 1 कटी हुई प्याज, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ क्रश किया हुआ, और थोड़े से मटर है, फ्रोजन मटर है, और ये थोड़े से स्वीट कॉर्न है, और थोड़ी सी हरा धनिया, और थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, और मैंने यहाँ पर लिया है मैगी मसाला इमैजिक। इससे सारे फ्लेवर मसालों के आ जाते हैं, इसमें और कोई मसाला नहीं डालेंगे फ्रेंड्स। तो अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं हाथ से। मटर और हमारे स्वीट कॉर्न बॉईल नहीं है, ये एकदम कच्चे हैं, ये बाद में अच्छी तरीके से पक जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर कच्चा ही लिया है, पकाया नहीं है कुछ भी। तो ये मिक्स हो चुका है। थोड़ा सा इसमें से हम लेंगे आलू और इस तरीके से लंबा सा इसको बनाएंगे। तो इसी तरीके से सबको बना लेना है आलू से। अब यहाँ पर लेंगे 1 कटोरी, इसमें मैंने 2 चम्मच पानी लिया है, और 1 चम्मच इसमें हम गेहूं का आटा डालकर एक पतली सी स्लरी बना लेते हैं, एकदम पतला सा बैटर बना लेते हैं। अब इस लोई को हम बेल लेते हैं, इसको अंडे के आकार में लंबा सा बेलेंगे। इसे हमें रोटी का शेप नहीं देना है, लंबे से बेलने हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए अच्छी तरीके से ये मैंने बेल लिए हैं, इसमें आटा वाटा नहीं लगाना है। इसकी थिकनेस रोटी की जैसे मैंने रखी है। तो आलू का एक यहाँ पर रखेंगे हम, और इसके किनारे किनारे रोटी के लगा देंगे मैदे वाली स्लरी जो मैंने बना के रखे थे। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 फोर्क, इसमें ऐसे डिजाइन देंगे, फोक को उल्टा करके थोड़ा सा इसे प्रेस करेंगे। तो स्लरी फिर से लगा देते हैं, और इसे इस तरीके से
मोड़ कर यहाँ पे चिपका देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरीके से इसमें डिजाइन भी बन चुकी है, इसका शेप भी बन चुका है। तो ये देखिए, इसी तरीके से हमको सब बना लेना है। तो मैं एक डिजाइन और बनाकर दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो पहले मैं किनारे किनारे स्लरी लगा देती हूँ, ये आप प्रोसेस बाद में भी कर सकते हैं, पहले कट करके। तो इसे चाकू से कट कर लेना है ऐसे लंबे लंबे। अब इसको उठाकर फोल्ड करना है मुझे ये इस तरीके से। अब ये परफेक्ट है। अब इसी तरीके से हल्के हाथों से मोड़ते हुए इसे चिपका देंगे और किनारे किनारे प्रेस कर देंगे। तो ये डिजाइन देखिए कितनी अच्छी डिजाइन बनके तैयार है। तो मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने रख दिया था। तेल हमारा बहुत ज़्यादा हाई हीट नहीं गरम होना चाहिए, गैस लो टू मीडियम करके छोड़ दीजिए। और इसमें हल्की हल्की आंच में जब ये पकेगा तो ये करारे क्रिस्पी स्नैक्स बनके तैयार होते हैं फ्रेंड्स। और आपको यकीन नहीं होगा, हमने गेहूं के आटे से बनाया है। तो इसे उलट पलट देते हैं। और इसने इसको हम सिकने देते हैं बढ़िया से गोल्डन ब्राउन होने तक। जब ये अच्छी तरीके से सिक जाएंगे फ्रेंड्स, अभी मैं इसको चेक कर लेती हूँ। अभी ये अच्छी तरीके से सिक चुके हैं, अब इसको हम निकालेंगे। तो अब इसे एक एक करके मैं निकाल लेती हूँ। इसमें डिजाइन देखिए कितना अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया डिजाइन बनी है। तो इस तरीके से मैं दूसरा भी बैच फ्राई कर लूंगी। इसे भी सिकने देते हैं अच्छी तरीके से, और सिक जाएगा तो इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो यहां पर मैंने लिया है एक मिक्सी का जार। अब यहाँ पर हम धनिया के पत्ते की चटनी बनाएंगे, हरी चटनी। तो 4 से 5 लहसुन की कलियाँ हैं ये, छोटी छोटी एकदम। और ये 4 हरी मिर्च और थोड़े से हरे धनिया। ये मैंने हरे धनिया के डंठल लिए हैं। और एक कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं इसमें। अब इसके बाद इसमें डालेंगे हम चटनी का फ्लेवर बढ़ाने के लिए थोड़ा सा नमक। मैंने यहाँ पर लिए हैं ये कच्चे आम को, मैंने काट कर सुखा लिया है, ये ड्राई मैंगो है। तो मैंने इसे भिगा कर पानी में आधे घंटे के लिए रख दिया था। इसे चटनी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और एक छोटा चम्मच के करीब इसमें पानी डाल देते हैं और इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। तो देखिए चटनी हमारी बनके तैयार है। अब इसे एक कप में निकाल लेती हूँ। तो चलते हैं आगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितनी करारे कितनी क्रिस्पी हमारे गेहूं के आटे से नाश्ता बनके तैयार है। आप इस नाश्ते को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। और इसे धनिया के पत्ते की चटनी के साथ या सॉस के साथ सर्व करिए, बहुत अच्छा लगता है खाने में। इसकी डिजाइन देखिए बहुत ही प्यारी डिजाइन बनी है, बहुत ही टेस्टी नाश्ता है ये। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। आज का हमारा सुपर टेस्टी डिलीशियस नाश्ता कैसे बना है फ्रेंड्स, अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
ये बहुत ही टेस्टी लग रही है देखने में चटनी और ये नाश्ता भी। तो मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपने परिवार का अपना ध्यान रखिएगा।